good morning students welcome back to our channel hi i am priya dharmesh tiwari from best english school today we are going with subject maths for a standard second today we will do the rest exercise in a workbook if you have a workbook you can open page number 94 runs made by the cricketers are given in below From this राइट how many runs are made by taking and one? अब देखिए इसमें जो है क्या किया गया है कि इसको जो ये हमारे स्क्वायर शेप में है ठीक है इसको जो है हमने टेन टेन से मीस इसको इक्वल करना है और ये जो हमारा ट्राइंगल शेप है इट मीन्स वन ओके नाउ यू हैव टू काउंट टेन ट्वेंटी थर्टी थर्टी वन थर्टी टू तो रोहित थर्टी टू रंस ओके यानी कि जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या है टेन इट मीन्स टेन और जो हमारा रेक्टेंगल शेप है इट मीन्स वन सो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फोर्टी फोर अब देखिए सुरेश ने कितने रन बनाए हैं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी और ये हमारा क्या है वन तो आंसर विल बी फिफ्टी वन टेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव आंसर विल बी ट्वेंटी फाइव ओके क्लियर हुआ आपको नाउ हाउ मैनी रुपीज आर देयर काउंट एंड राइट अब देखिए इसमें जो है रुपीस कितने हैं वो हमें काउंट करके आपको यहाँ पे लिखने हैं ठीक है तो कैसे करेंगे देखिए टेन टेन रुपीस की नोट है तो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सिक्सटी वन फिर देखिए हमारा आपको इसमें फाइव रुपीज़ का कॉइन शो कर रहे हैं है ना और जो है ये भी वन रुपीज़ का ही कॉइन है आई नहीं टू रुपीज़ का कॉइन है है ना तो ये सिक्सटी वन और उसमें वन में आप टू प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री ये हमारा फाइव रुपीज़ का कॉइन है सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट तो यहाँ पे कितने रुपीज़ हैं ये सिक्सटी एट रुपीज़ इसको जो है आर एस जरूर लिखिएगा रुपीज़ में ठीक है और ऐसे ही आपको ये भी काउंट करना है ये देखिए मैचिंग ये तो आप सब कर लेंगे है ना कि जैसे सिक्सटी टू लिखा है तो सिक्स टेंस इट मे सिक्स टेंस टू वन तो इससे मैचिंग हो जाएगी फिफ्टी नाइन फोर्टी सिक्स थर्टी सेवन ओके ट्वेंटी फाइव ओके ऐसे आपको इसमें भी मैचिंग करनी है नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज स्टैंडर्ड वाइज डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर गिवन इन द टेबल बिलो बिलो मींस होता है नीचे ग्रुप ऑफ टेन टेन स्टूडेंट फ्रॉम दिस हैज टू बी मेड फॉर कबड्डी फॉर दिस कंप्लीट द मिसिंग डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट आपको क्या करना है देखिए यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड दिए गए हैं है ना ये देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड हैं आपके यानी कि जो क्लास है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे आपको टेंस के ग्रुप बनाने हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है कि स्टूडेंट्स हु आर लेफ्ट जो स्टूडेंट्स बच जाएंगे सपोज देखिए यहाँ पे फोर्टी एट ठीक है ठीके? अगर हम ग्रुप बनाएंगे टेन टेन के तो यहाँ पे हमारे फोर ग्रुप तो बन जाएंगे और जो स्टूडेंट्स कितने बचेंगे एट तो हम यहाँ पे एट लिख देंगे फिफ्टी टू है तो हम टेन 10 टेंस के ग्रुप बनाएंगे तो हमारे फिफ्टी जो है बच्चे आ जाएंगे यानी कि फाइव ग्रुप बन जाएंगे तो यहाँ पे फाइव और टू स्टूडेंट्स लेफ्ट बचेंगे ठीक है ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है फिर यहाँ पे आपको इसका टोटल करना है और वंस का भी टोटल करना है ठीक है हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ़ टेन टैन स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड टू कैन बी मेड एंड हाउ मैनी लेफ्ट अब देखिए हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ टेन टैन स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड सेकेंड कैन बी मेड तो देखिए स्टैंडर्ड सेकेंड में जो है कितने बच्चे हैं फोर्टी एट तो हमारे यहाँ पर फोर के तो ग्रुप बन जाएंगे और एट बच्चे लेफ्ट बचेंगे यानी कि लेफ्ट मीन्स होता है कितने बच्चे बचेंगे आपने सपोज देखिए जैसे कि हम अपने क्लास में थर्टी एट बच्चे हैं ठीक है और हमें ग्रुप बनाने हैं टेन टेंथ के तो टेंथ का ग्रुप बनाया फिर हमने टेन बच्चे और लिए तो ट्वेंटी हो जाएंगे फिर हमने टेंथ का ग्रुप बनाना है तो हमने टेन बच्चे और ले लिए तो टेन 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 थर्टी हो गए और फिर एट बच्चे हमारे लेफ्ट बच्चे क्योंकि वो ग्रुप में कितने टू बच्चे कम पड़ रहे हैं तो हम वो ग्रुप नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमें टेन 10, टेंथ के ही ग्रुप बनाने हैं ठीक है

ग्रुप ऑफ टेन टेन स्टूडेंट्स आर मेड तो यहाँ पर जो आपका टोटल करने पे जो आंसर आएगा वो आपको बताना है कि हम टेन्स कितने मीन्स होंगे तो देखिए इसमें आपको क्या करना है जैसे कि ये यह देखिए यहाँ पे फोर आंसर यहाँ पे फाइव यहाँ पे थ्री और यहाँ पर फाइव uh, आया ठीक है तो आप काउंट कर लीजिए इसको फोर फाइव थ्री तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आप करके देख सकते हैं देखिए फोर फाइव थ्री और फाइव तो ये फाइव फाइव टेन ये फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन आंसर कितना है हमारा सेवेंटीन तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप इसमें सेवनटीन है तो कितने ग्रुप्स हमारे बन सकते हैं ठीक है और बंस आप काउंट कर लीजिएगा ओके देन हाउ मैनी ग्रुप्स हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ टेन टेन स्टूडेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम स्टूडेंट्स हु आर लेफ्ट हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ टेन टेन स्टूडेंट कैन बी मेड फ्राम द टोटल स्टूडेंट्स आर लेफ्ट अब देखिए जो आप यहाँ पे आपने वंस का टोटल किया है जैसे सॉरी एट 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 टू सिक्स नाइन इसको आप टोटल कर दीजिए तो हम कर लेते हैं एट टू सिक्स और नाइन प्लस करके देखिए इसको आप तो एट नाइन टेन टेन में हम सिक्स प्लस करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे सिक्सटीन सिक्सटीन और ये हमारा सिक्सटीन में नाइन प्लस करिए सिक्सटीन सेवनटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ट्वेंटी फाइव आ जाएगा आंसर ठीक है तो अब आपको बताना कि हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ टेन टेन स्टूडेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द स्टूडेंट हु आर लेफ्ट यानी कि जो बच्चे बचे हैं उसमें आप कितने ग्रुप्स बना सकते हैं ठीक है कैन बी मेड फ्रॉम द टोटल स्टूडेंट हु आर लेफ्ट एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट अब देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर आया था आपने एट टू सिक्स नाइन एट नाइन टेन और ये सिक्सटीन सिक्सटीन मैं आपने नाइन प्लस करा तो सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तो देखिए कितने ग्रुप बन जाएंगे आपको ये करके इसमें लिखने और कितने आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर करना है ओके नाउ दे आर फोर्टी फोर ब्लैक अब देखिए ये जो आपको सॉल्व द फॉलोइंग करना है ये आपको कैसे करने हैं कि आ, आपको ऐसे लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे यहाँ पे लिखा है तो आपको ऐसे लिखना है नंबर्स ऑफ ब्लैकबेरीज ग्रुप ऑफ टेन टेन ब्लैकबेरीज और ब्लैकबेरीज हु हुआ लेफ्ट ठीक है ऐसे करके आपको इसके अकॉर्डिंग ये आपको द फॉलोइंग करना है ठीक है इसके पहले भी हम कर चुके हैं इसलिए आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ओके ओके इट इज़ योर होमवर्क यू हैव टू फिल द पेज नंबर नाइन्टी फोर एंड नाइन्टी फाइव In my next video, we will meet with new chapter. Chapter 9. Okay? Stay home, stay safe. With the help of these lines, I would like to pack up. Bye guys.